मॉइस्चराइज कर दिया है एंड ग्लो, क्योंकि आपकी स्किन के साथ ये खिलवाड़ करना होगा. एंड मेरी आईज बहुत ही प्रिटी 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 लग रही है. ये ओरिजिनल तो नहीं थी. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमें हमेशा हैप्पी रहना चाहिए. सो आपको थंबनेल और टाइटल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ. यस, आज मैं ट्राई करने वाली हूँ मीशो का सबसे सस्ता वाला मेकअप प्रोडक्ट, जो कि है अंडर 200 और इसमें मुझे 10 प्रोडक्ट्स मिले. कैन यू इमेजिन, मेकअप का प्रोडक्ट वो भी 10, वो भी 200 के अंदर, इमेजिन नहीं कर सकते राइट? तो हम ट्राई करने वाले हैं कि ये इतने सस्ते हैं तो क्या वर्क करते हैं एक्चुअली में, या फिर बस ऐवे ही है, हमारा जो पैसा है वो वेस्ट है. बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स को, बहुत सारे मेकअप क्रिएटर्स को देखा है जो कि ये मंगवा कर मेकअप ट्राई कर रहे थे और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे थे कि बहुत अच्छा है, अच्छा है. तो मैं भी सोची कि ट्राई कर लेती हूँ कि क्या ये एक्चुअली में वर्क करता है, नहीं करता है, अच्छा है नहीं है, ट्राई करना चाहिए हम लोगों को या नहीं ट्राई करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? तो आपको पैसे पहले वेस्ट नहीं करने, मैं ट्राई करके आपको बताऊंगी कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. थोड़े से ही आपके पैसे क्यों वेस्ट हो, अगर ये अच्छा नहीं काम करेगा तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी. तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो स्टे ट्यून एंड वीडियो को एंड तक देखना. और वीडियो अच्छी लग जाती है तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक कर देना, ठीक है? चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में जो घंटी है उसे भी ऑल पर जाकर प्रेस कर दो ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. तो अब विदाउट एनी फर्दर डू चलो स्टार्ट करते हैं. मेकअप करने से पहले मैं ना ये कर लेती हूँ पहले, तो ठीक ना पहन के यहीं पे पहनती हूँ, क्यूट लग रहा है. मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं लगाऊंगी पिलग्रिम का फेस मिस्ट एंड टोनर, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. ये आपके पोर्स को फिल कर देता है, आपके फेस को अच्छे से हाइड्रेट करता है. जब भी आपको हाइड्रेशन की ज़रूरत हो ना, बस जस्ट स्प्रे. रिफ्रेश. तो सबसे पहले मैं ऐसे भी आपको निकाल के देती हूँ. इसमें एक ब्यूटी ब्लेंडर मिला है मुझे, एक ये प्राइमर है, ये एक आई ग्लासेस है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और ये एक लिपस्टिक, और एक ये और लिपस्टिक, और ये रहा मेकअप फिक्सर हमारा, और ये रहा हमारा कंसीलर, और ये रहा हमारा फाउंडेशन, और ये प्रेप प्राइम, ये सीरम है, और ये रहा हमारा कॉम्पैक्ट. और अब इसमें कुछ भी नहीं है. सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है? सीरम, राइट? तो हम सीरम यूज करेंगे. तो इस पर लिखा हुआ है मैक, दिख रहा है आपका राइट, मेरा लेफ्ट है, मेरा लेफ्ट और आपका लाइट राइट है, इसलिए आप उल्टा में भी मैक दिख रहा है, बट यहाँ पे मैक लिखा हुआ है, ठीक है? MAC मैक. और इस पर तो ऐसे इस पर ऐसा दिखाया गया है कि ये मैक का है, ठीक है? इस पर लिखा हुआ है मैक ब्लैक, और ब्लैक से लिखा गया है तो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा. अब देखते हैं इसको यूज करके कि ये एक्चुअली में वर्किंग है या नहीं. मुझे तो यूज करने में भी डर लग रहा है. इसे स्मेल तो इसे बहुत ही माइल्ड सा आ रहा है, लेकिन मतलब बहुत ही माइल्ड, लाइक उतना ख़राब भी नहीं आ रहा कि मैं इसे यूज ना करूँ. बट ये सर ड्रॉपर काम नहीं कर रहा प्रॉपर, लाइक मतलब मैं इसको ऐसे कर रही हूँ निकल जा रहा है, लगता है मुझे अपना इसका ड्रॉपर ख़राब है. मैं ले रही हूँ, निकालते निकालते ही गिर रहा है. ओ गॉड, कैसे करूँ? ड्रॉपर इसका ख़राब है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अब कोई मत मुझे बोला कि मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ, ड्रॉपर से नहीं कर रही. अब काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ भाई, बताओ आप ही बताओ. ओके, ठीक है. तो मेरे लिए प्रे करना, एक्चुअली मेरी स्किन के लिए प्रे करना, अगर ये मेरे स्किन पे ख़राब भी कर गया, लाइक कोई भी साइड इफेक्ट करा मेरे स्किन का, तो बैंड बच जाएगा. तो पहला प्रोडक्ट जो हमारा है वो पास है, 10/10 मैंने इसे दूंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हमारे फेस को हाइड्रेट कर दिया है, मॉइस्चराइज कर दिया है एंड ग्लो. आप देख सकते हो, मुझे लग रहा है कि ये ओरिजिनल तो नहीं दी दिया क्योंकि इसका ड्रॉपर ख़राब है, मे भी हो सकता है. और ये मुझे लगता है यूज़ किया हुआ भी है, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें प्रोडक्ट कितना है, इसकी क्वान्टिटी बहुत ही मतलब हाफ है, इतना होना चाहिए था बट इतना है, हाफ है. तो ये यूज़ किया जैसा मुझे लग रहा है, बट यहाँ और इसका ड्रॉपर भी ख़राब है. बाकी क्वालिटी वाइज लेकिन प्रोडक्ट ये काफ़ी अच्छा काम किया है, वर्क किया. बाकी साइड इफेक्ट का मुझे पता नहीं अगर होता है तो, बट अभी के लिए मेरे फेस पे बहुत ही प्यार सा ग्लो दे दिया है, हाइड्रेशन प्रोवाइड कर दिया, जितना इसे करना जो करना चाहिए था वो इन्होंने कर दिया है. तो मैं इसे दूंगी 10/10, ठीक है? तो इसे साइड रखते हैं. अगर मैं इस पैकेजिंग को हटा दूँ तो इसका ड्रॉपर ख़राब था, तो 10/10 ही मैं दूंगी. यार 200 भी क्या एक्सपेक्ट करेंगे. चलो दूसरा देखते. सिरम तो हमने लगा लिया है, अब हम ट्राई करेंगे प्राइमर. और प्राइमर के लिए हमारे पास है इनफॉलिबल मेटिफाइंग बेस, ठीक है? और ये कौन सी कंपनी का है, कौन से ब्रांड का है, कोई
बड़ी ब्रांड का भी इसमें नाम नहीं चिपकाया है, बस सिर्फ लिखा है इनफॉलिबल मैटिफाइंग बेस। चलो ये प्राइमर है हमारा वाटर बेस सिलिकॉन बेस, ठीक है जो भी है। तो प्राइमर हम बहुत ज़्यादा ज़्यादा लगा लेते हैं क्योंकि ये लग नहीं रहा है कि अच्छा वाला है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा ही लगा लेती हूँ। मेरा सक सही निकला, ये प्राइमर किसी भी काम का नहीं है। लाइक मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना मतलब जैसे ना एक एलोवेरा जैसे काम करता है ना, उससे भी बेकार काम कर रहा है। लाइक मतलब बस पसीना मेरे फेस पे स्प्रेड हो रहा है। कोई भी आपको बेस नहीं बना के देगा। लाइक मतलब प्राइमर जैसा ये कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, बस ये लग रहा है ना जैसे मैं पानी डाल ली हूँ अपने फेस पे, जैसे धुल गया। प्राइमर बिल्कुल भी काम नहीं किया है और अब देखते हैं आगे, ठीक है। प्राइमर जो भी मेरा सीरम था ना उससे मैं और ज़्यादा वो अंदर चला गया, अब कुछ भी काम नहीं किया क्योंकि मेरे अब प्राइमर के बाद बारी आती है फाउंडेशन लगाने की। तो फाउंडेशन कहाँ गया मेरा फाउंडेशन जी यहाँ। तो फाउंडेशन पे लिखा हुआ है NC25, ठीक है, और ज़्यादा कुछ इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। SPF 15 फाउंडेशन इस पर लिखा हुआ है, SPF 15 फाउंडेशन, बाकी कोई ब्रांड का नाम इसमें नहीं चिपकाया। और ये मेरे स्किन शेड से बहुत ज़्यादा लाइटर है, यस बहुत ज़्यादा लाइटर है, एज यू कैन सी। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो है कवरेज कैसा है, ठीक है। ओके मैं ऐसे लगाती हूँ डॉट डॉट करके। पहले चीज तो ये मेरे सीड का है नहीं, अब हम इसी का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे जो कि काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छी क्वालिटी वाला है। मैं ब्यूटी ब्लेंडर से मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, बहुत बड़ी वाली होप है। प्लीज़ मत तुम अपना नाक कटाना यार। यह तो हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर है रेडी करने के मतलब यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। लाइक OMG बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मैंने हुडा ब्यूटी का लिया था 99 रुपीज़ का, तो समझ लो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर तो 99 रुपीज़ का आ गया है। ओके चलो ब्लेंड करते हैं। मेरा महाराज आप आ जाओ सामने थोड़ा। ब्लेंड तो बड़े अच्छे से हो रहा है लेकिन इसमें कोई कवरेज ही नहीं है यार, मतलब क्यों लगा रही हूं मैं, कोई भी कवरेज नहीं है, ठीक है कोई भी कवरेज नहीं है, मतलब कवरेज के नाम पे धब्बा है, कुछ भी कवरेज नहीं है। तो मैं एक बारी और एक सेकंड लेयर लगा के देखती हूँ कि मे भी जो थोड़ा मिल जाए, ठीक है। नो मेकअप मेकअप वाला लुक आपको मिल जाएगा, ठीक है इतना तो है ही, मुझे होप इससे सेकंड लेयर लगाने के बाद। वैसे मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो रखी है, मेकअप की नीड तो है नहीं मुझे, तो बिना मेकअप स्किन केयर करने के बाद ही मेरा स्किन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मे भी आपको लगे कि अच्छा ही तो लग रहा है, बट नहीं इसने कुछ भी काम नहीं करा। अगर आपके फेस पे कुछ भी है तो ये मत सोच लेना कि मैं 200 का सामान मंगवाऊंगी, 10 प्रोडक्ट मिलेंगे और काम मस्त करेगा। गाइस देख लो सेकेंड लेयर लगाने के बाद क्या होता है। सेकेंड लेयर लगाने के बाद स्टिल नो कवरेज। कवरेज इसमें कोई भी कवरेज नहीं है, मतलब मैं लगाते जा रही हूँ और ये मतलब फिर मेरा स्किन लाइक ऐसा ही रह रहा है। ये तो मेरी जैसी नेचुरल स्किन थी ना वैसे ही, ना कोई लाइक मतलब कुछ भी इसने कुछ भी नहीं करा, लाइक मतलब 1% भी नहीं कवर करा है, ठीक है। गाइस फाउंडेशन से मुझे थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन तो था कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कवरेज देगा ना, बट इसने कुछ भी कवरेज नहीं दिया है, ठीक है। बस मेरे स्किन पे लगा और बस मिट गया, कोई भी कवरेज इसने नहीं दिया। मेरे डार्क सर्कल को भी नहीं कवर किया है। अगर आप थोड़े पीछे जाके देखो तब भी मेरी स्किन ऐसी ही थी, अभी भी थोड़ी सी ऐसी ही है। अब बारी आई कंसीलर की, और ये क्या है कंसीलर को भी मैं ऐसे लगा रही हूँ और ये मिट जा रहा है। ये क्या कवरेज, कोई कवरेज नहीं है। लेकिन मतलब ये तो और ये लग रहा है कि मैंने कुछ यहाँ पर लगाया, कुछ भी डिफरेंस लग रहा है आपको कुछ भी, लाइक सीरियसली कुछ भी कवरेज नहीं है यार इसमें, कुछ भी नहीं। क्या कर रहे हो कंसीलर महाराज जी, थोड़ा तो इज्जत रख लो अपनी। गाइस कोई भी कवरेज नहीं, और इसमें है भी नहीं लगता, ये सूखा हुआ है, ठीक है। और इसका स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है, लेकिन मतलब बहुत ही केमिकल वाइब आ रहा है, लगाने में भी मुझे डर लग रहा है। फाउंडेशन से कोई स्मेल नहीं आ रहा था, लाइक मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा था, बट कंसीलर से बहुत ही केमिकल वाला स्मेल आ रहा है। डार्क सर्कल मेरे गायब,
या खा का है जाओ के तो है, थोड़े से भी मेरे डार्क सर्कल हाइड नहीं हुए, देख सकते हो। क्या कंसीलर महाराज जी, क्या क्या कर रहे हो? कंसीलर भी गाइस कोई काम का नहीं है, तो अगर आप लेना चाह रहे हो ना तो सोच लो, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोडक्ट आपके काम के नहीं होंगे। प्राइमर अभी तक काम नहीं किया है, फाउंडेशन काम किया है नहीं है, कंसीलर भी काम नहीं ही किया है। अब चलो कॉम्पैक्ट देख लेते हैं, ठीक है? इसका कॉम्पैक्ट, इसमें लिखा हुआ है NC25 कलर स्किन लूज पाउडर, और ये रहा हमारा लूज पाउडर। इसमें एक पफ मिल रहा है जो कि बहुत ही टाइट है, इसे तो लगा पाओगे नहीं क्योंकि ये प्लास्टिक टाइप है। और ये हमारा लूज पाउडर है और ये बहुत ही मोटा है गाइस। ये वाला रिस्क तो मैं नहीं लेने वाली, सॉरी, यूज आप भी मत करना, इसे इतना गंदा मैं तो ट्राई नहीं करने वाली हूँ। और ये क्या ही कवरेज देगा, लाइक मतलब क्या ही, ये ऐसे लग रहा है ना जैसे हमने आटा पुताई करा है। हाँ, ये आटा पुताई जैसा ये फील दे रहा है और ये बहुत ही गंदा स्मेल कर रहा है, मेरी स्किन तो झेल नहीं पाएगी, तो सॉरी मैं इसको ट्राई नहीं करने वाली, मैं ऐसे ही रह लेती हूँ। मैं ट्राई अब करूँगी आई लैसेस, तो मैं हाँ वो ट्राई करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत ही अच्छी सी लैसेस आपको मिल जाती है, इसके बॉन्ड भी वो काफ़ी अच्छे हैं और बिल्कुल फेक नहीं लग रहा, लेकिन मतलब ठीक ही लग रहा है, तो मैं इसे ट्राई करती हूँ। ग्लू तो मैंने लगाया नहीं, ऐसे थोड़ी लगेगा, इसमें ग्लू थोड़ी ना मिला है, मैं अपना लगाती हूँ, तो थोड़ा आईब्रो साइब्रो भी कर लेती हूँ, ठीक है? आती हूँ। मैंने एक आईज में तो आई लैसेस लगा लिया एंड यू कैन सी द डिफरेंस, ये मेरी आईज कितनी प्रिटी 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 सी लग रही है, और ये वाली तो अभी मैं इसमें भी लगा लेती हूँ। ओके, तो मैंने अपने दोनों आईज में लगा लिया, एज यू कैन सी कितनी प्रिटी लग रही है, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ अपनी फेक आई लैसेस से, तो मैं इसे दे दूँगी 10/10। और मैं थोड़ा सा मस्कारा लगा के मैं अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लेती हूँ, लाइक मेरे गोगो तो बेचारा गिर गया। ओके, तो हमने मस्कारा लगा लिया है एंड मेरी आईज बहुत ही प्रिटी 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 सी लग रही है, और चलो तो आईज हो गया है मेरा। तो मैं ना क्या सोच रही हूँ कि मैं ना आईब्रो कर लूँ, आईब्रो के बिना मेकअप अच्छा थोड़ी होता है। आईब्रो जो है वो डन है, तो अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक के लिए मेरे यहाँ पे दो ऑप्शन हैं और दोनों ही सेम कलर्स हैं, ठीक है? अलग कलर नहीं है, दोनों सेम ही कलर है, मुझे लग रहा था दो या दो कलर होंगे बट नहीं, तो चलो कोई सा भी हम लगा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और मैंने एस पिंक भी वेयर करा है, तो ये बहुत ही प्रिटी सा पिंक कलर है, अब लगाने के बाद देखते कैसा है। ठीक है, स्मेल भी काफी अच्छी है बट लिप पे तो आ ही नहीं रहा। बिल्कुल भी पिगमेंटेड नहीं है, बहुत ही लाइट है, लाइक एक लाइट होने का भी लिमिट होता है। और ओके गाइस, तो ये ऐसा ही रहेगा और ज़्यादा ये लाइक मतलब डार्क नहीं होगा, बहुत ही लाइट है और लिप पे भी बहुत ज़्यादा लाइट है और केमिकल जैसा कोई फील नहीं हो रहा, और मुझे लग रहा है इसकी क्वालिटी ठीक ठाक ही है, तो मैं इसे दूंगी 10/7, क्योंकि ये तो पिगमेंटेड ही नहीं है बट मुझे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा। और अगर ये लिप को ख़राब नहीं करता है तो हम इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही लाइट वेटेड है, लिप पे भी बहुत लाइट लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि हमने लिपस्टिक लगाया है, ट्रांसफर तो करता है बट फिर भी बहुत लाइट वेटेड, आप डेली के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर ख़राब नहीं होता तो। पूरा मेकअप हमारा हो गया, बस एक प्रोडक्ट बचा है, दैट इज मेकअप फिक्सर, इस पर लिखा हुआ है मेकअप फिक्सर नेचुरल एलोवेरा विद विटामिन ई, और फिट लिखा हुआ है, फिट में नहीं लिखा हुआ है, फिट लिखा हुआ है, बट देखते हैं ये कैसा काम करता है। तो मैं इसे पहले तो शेक करूँ कि हाथ में मैंने फाउंडेशन लगाया था, ब्लेंड करा था, तो हाथ पे ही पहले ट्राई कर लेती हूँ। ये गाइस काम तो कर रहा है, ठीक है, ये इसका स्प्रे बॉटल बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बट इसका स्मेल इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग भी होता है ना कि थोड़ा लिमिट वाला, लेकिन जो हम टॉलरेट कर सकते हैं, बट इसका बहुत ही गंदा सा स्मेल आ रहा है, लाइक मतलब अल्कोहल टाइप का। और हाँ, उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसमें भी जो ग्लूज पाउडर का जो स्मेल है ना, वो भी उसी टाइप का स्मेल था,
और मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इसे फेस पे तो अप्लाई नहीं करने से रही, क्योंकि अगर मैं फेस पे अप्लाई कर ली तो अभी तुरंत मैं फेस धोने चली जाऊँगी, फिर वीडियो भी शूट नहीं कर पाऊँगी, तो बहुत ही गंदा सा स्मेल इसका है, तो फेस पे मैं अप्लाई नहीं करूँगी, ठीक है। और ये कोई काम वाम भी नहीं किया, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पानी स्प्रे कर दिया है और बस ये धुल गया है, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें, कोई आपको मेकअप फिक्सर जैसा कोई फील नहीं देगा। तो ये भी आपको मैं इसको भी देना चाहूँगी 10 में से 1, क्योंकि कोई काम का नहीं है और बस गंदा सा स्मेल है इसमें। तो ये रहा हमारा फाइनल मेकअप लुक, कैसा लगा हमें कमेंट में बताना। मैं थोड़ा सा अपना हेयर स्टाइल कर लेती हूँ, लाइक थोड़ा सा ओके। तो हमारा मेकअप डन है और ये रहा हमारा मेकअप। मुझे तो काफ़ी बहुत काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई क्लियर स्किन, बिकॉज मेरी स्किन काफ़ी क्लियर है और ग्लोई है, और अभी आजकल थोड़ी काफ़ी हेल्दी हो रखी है, तो इसलिए बहुत ही काफ़ी टर्न आउट हुआ है, बिकॉज ये फाउंडेशन जो है अच्छे से काम किया तो नहीं था, कवरेज बिल्कुल भी नहीं दिया। तो आप लोग हमें कमेंट में बताओ कि आज का हमारा मेकअप लुक आपको कैसा लगा और ये कैसा टर्न आउट हुआ है। 10 में से आप कितना नंबर देना चाहोगे इस लुक को, ठीक है, कमेंट में हमें बताना। ओके ओके, ठीक है, कमेंट में हमें बताना कि 10 में से आप कितना नंबर देना चाहोगे। बाकी अब बातें ये आती है कि मैं इसे आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ या नहीं करती हूँ, ठीक है, तो चलो बताती हूँ। तो मैं इसे आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और आप लोगों को खुद ही सोच लेना चाहिए। मैंने आपको सब बताया ना 1 by 1 कौन काम किया कौन नहीं काम किया, तो उस हिसाब से आप खुद ही सोच सकते हो मैं क्यों ही इसको रिकमेंड करूँगी यार। ना इसका फाउंडेशन काम किया, मैंने लगाया ब्लेंड किया बस गायब भी हो गया, थोड़ा सा भी कवरेज नहीं था, ना इसका कंसीलर में कोई भी कवरेज था, ना इसका मेकअप फिक्सर काम किया, और ना ही इसका कॉम्पैक्ट काम किया, कोई काम का नहीं था, ठीक है। एक इसका सिरम काम किया, उसमें भी बहुत सारे चांसेस हैं ऐसे, मतलब 99% चांसेस है कि वो खराब ही करे, मतलब साइड इफेक्ट्स छोड़े, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोडक्ट मेंशन नहीं करा गया है कि उसमें क्या प्रोडक्ट यूज़ किया गया, तो हो सकता है साइड इफेक्ट कर जाए। तो सेकंड चीज़ मुझे जो अच्छी लगी वो है ये फेक आईलैशेस, जो कि मैं 10/10 देना चाहूँगी इसे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, मतलब उतने रेंज में बहुत अच्छी क्वालिटी की है और अच्छी लग भी रही है। थर्ड चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी वो है ये ब्यूटी ब्लेंडर, ये भी काफ़ी अच्छा है। और फोर्थ चीज़ जो मुझे थोड़ी थोड़ी अच्छी लगी वो है ये लिपस्टिक, बट ये भी कोई मतलब ज़्यादा कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, मतलब लिप पिगमेंटेड भी नहीं है, और ये आपके लिप पे ना ऐसे मतलब बहुत रगड़ोगे तब जाके कहीं थोड़ा सा हल्का हल्का सा टिंट देगा। तो करे देखो बात यहाँ पे 200 में सस्ते प्रोडक्ट खरीदने का नहीं है, अभी आप समझ लो कि 200 का प्रोडक्ट आपने खरीद के यूज कर लिया, बाद में अगर आपके फेस को वो हार्म करता है, पिंपल एक्ने एलर्जी कर देता है, तो फिर आप उसमें 10,000 से भी या फिर उससे भी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे, और तभी भी आपको चांसेस नहीं रहेगा कि वो हो सकता है वो ठीक हो या नहीं भी हो सकता है, लॉन्ग टाइम लग सकता है, तो क्यों ही रिस्क लेना अपने स्किन के साथ, है ना। तो जो ही प्रोडक्ट यूज़ करो अच्छी क्वालिटी अच्छे ब्रांड्स का यूज़ करो, ठीक है, सस्ते में भी आपको अच्छे ब्रांड्स मिल जाते हैं जिसमें सारे प्रोडक्ट जो भी उसमें केमिकल्स या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं वो सारे मेंशन किए रहते हैं कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स मिक्स किया गया, अगर केमिकल भी यूज़ होता है तो उसमें बताया जाता है कि हाँ इसमें ये चीज़ मेंशन है। तो आपको अगर कंफर्टेबल है यूज़ करना तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन इसमें ये तो नहीं होगा ना कि आपको पता ही नहीं है कि इसमें क्या मिक्स किया गया है, क्या चीज़ से बनाया नहीं बनाया है ना, तो रिस्क थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपने स्किन के साथ मैं तो बोलूँगी कोई रिस्क मत लो, खराब हो जाता है तो फिर आप YouTube पे सर्च करते फिरते हो कि क्या रेमेडी है या क्या क्रीम है पिंपल को हटाने के लिए, एलर्जी को हटाने के लिए, तो उससे बेटर है कि कुछ ऐसा यूज ही मत करो कि आपकी स्किन में कोई भी इरिटेशन कोई भी प्रॉब्लम हो। तो या गाइस यही थी आज की हमारी वीडियो और यही था आज का हमारा ये ज्ञान। तो अगर आप इसको लेने के बारे में सोच रहे थे ना तो मत लेना, अगर फन के लिए लेना चाह रहे हो तो एक बार ट्राई करने में कुछ जाता नहीं है, तो ट्राई कर सकते हो, बट अगर सीरियस हो इसे लेके यूज करने के लिए तो मत लेना, क्योंकि आपकी स्किन के साथ ये खिलवाड़ करना होगा, तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। तो यही थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो ये लेने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। और वीडियो पे और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब कर देना, उसके बगल में जो घंटी है उसे भी और पे जाके प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।